हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नंबर्स के एक्सप्रेशन होते हैं, है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्या है, सारा नंबर में है, ठीक है। पूरी जो एक्सप्रेशन है वो नंबर में, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? अभी यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, डिवीजन है। तो हमको क्या है कि अगर हम लोग ऐसे बिना किसी रूल से अपनी मर्जी से करें तो इसका आंसर क्या वेरी करता रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं इसको सॉल्व करने। जैसे सबसे पहले अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिया तो आप क्या सॉल्व करोगे? डिवीजन। फर्स्ट नंबर पे आपने डिवीजन करना है, सेकेंड पे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, थर्ड पे आपने यहाँ पे प्लस सॉल्व करना है, और लास्ट में आपने माइनस, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपको जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एक्सप्रेशन को करते हैं सॉल्व। देखो, पहले हमने क्या बताया था कि हम डिवीजन शुरू करेंगे। तो डिवीजन यहाँ पे है तो बाकी एक्सप्रेशन को छेड़ना नहीं है, बाकी को ऐसे उठा के लिख दो। अब 25 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 5। साइन आपको वही लिखना है। उसके बाद क्या किया हमने? मल्टीप्लाई करना है। तो अभी इनको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। अब 6 10 का क्या होता है? 16 माइनस 8 प्लस 5। अभी थर्ड स्टेप क्या था हमारा? प्लस। प्लस में क्या करना है? अभी इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं था उसका मतलब होता है यहाँ पे प्लस है। अभी यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो 60 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 65। बचा क्या हमारे पास? 8, और उसके आगे साइन कौन सा था? माइनस। अभी इसको माइनस करो और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 57। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी वैसे ही हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन को सॉल्व करना है। अभी ढूंढो यहाँ पे डिवीजन कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। बाकी को इसी तरह से लिख दो। अभी देखो यहाँ पे क्या डिवीजन है, अभी इसको कैसे डिवाइड है? तो डिवाइड जब हम लोग इस तरह से करते हैं ना, जब आपको दिया हुआ इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसको उल्टा देते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में, इसको उल्टा कर देते हैं। बाकी के एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो। अभी इसको क्या है, 4 के टेबल में जाता है, तो इसको 4 5 4 4 8 यहाँ पे प्लस था। अभी क्या है, और कुछ तक नहीं सकते, इसीलिए ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों के नीचे। यहाँ पे क्या बचा? 2, यहाँ पे 3 3 6। अभी 1/2 × 1/1। अभी क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई। अभी इसको सॉल्व करें, लेकिन ये क्या, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो 2 है नीचे, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसके बाद इसको ऐड करना है। देखो, पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पड़ा है 2, उसको ऐसे लिखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, ऊपर क्या पड़ा 1, इसको ऐड करो। आंसर कितना पड़ा? 3/2, ठीक है। 3/2 को यहाँ पर उठा के लाओ। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा 3/2 बचेगा। यहाँ पे 1/2 × 3/2, ठीक है। अभी इन दोनों में मल्टीप्लाई था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कट नहीं सकता, तो ऊपर वालों के ऊपर, नीचे वालों के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 + 5/6 − 3/2, ठीक है। अभी ये क्या प्लस वाले हैं, तो प्लस वालों को सॉल्व करो। इनका लो एलसीएम, एलसीएम माइनस 6, यहाँ पे 3 3 9 + 5, ये क्या बना? 14/6 − 3/2। अभी इनको फिर से इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम कैसे लिखते हो? इस तरह से, ठीक है। इन दोनों के एक टेबल पे लिखो, जैसे 2 के टेबल में जा रहा है 3, यहाँ पे 2। अभी इसको 6 के टेबल में क्या, 2 में 2 2 2 4 28 − 3 3 9, अभी देखो माइनस करो, 17/12, ये हमारा आंसर था। गॉट इट? नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला लगेगा बॉन्ड मास, ठीक है। बॉन्ड मास,
से क्या बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एन का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज तो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी की थी, लेकिन ये दो चीज हमारे पास नहीं है, ब्रैकेट ठीक है ऑफ लगा दो, ब्रैकेट की जगह बार भी हो सकता है, सॉरी ब्रैकेट ही होगा इसको। ठीक है, अब ब्रैकेट क्या है हमारे पास, तीन चार तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है वो हमारे पास होती है ये वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप हमेशा बार ब्रैकेट को सॉल्व करें। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ये बोर्ड वाली, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आपके पास आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, और लास्ट पे आते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये सबसे बड़ी होती है और इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। चलो आज इस क्वेश्चन में हम लोग ये चीज़ अप्लाई करते हैं। तो अब देखो पहले चेक करो कि हमें क्या है इसमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले चेक करो ब्रैकेट है बार वाली नहीं है, अभी क्या करना पड़ेगा कि हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बाकी एक्सप्रेशन को ऐसे उठा के लिख दो, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचा टू। अभी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज पड़ी है तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई है। ठीक है, फोर को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट, तो ये वाली ब्रैकेट खत्म हुई। अब क्या बची कर्ली ब्रैकेट, अभी इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाकी कैसे दो इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या बना हमारे पास इलेवन। अब ये ब्रैकेट है इसको ऐड करो तो ये क्या बना हमारे पास 29। अब इसके बाद 3 है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो 3 9 27 टू कैरी 3 2 6 एंड 2 87 दिस इज योर आंसर। अभी देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो आपको बार भी दे रखी है, ठीक है यहाँ पे ये क्या होते हैं बार होती है, तो बार का मतलब कि पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो बाकी को आप लोग ऐसे लिख दो। ये जो हमेशा होता है ना इसको सेंटर में लिखते हैं इसके। अभी देखो इसको 2 2 6 12 प्लस 1 13 बाय 2 इसको क्या करें 4 2 8 प्लस 9 बाय 2 इसके ऊपर थी हमारे पास 12। इसको भी देखो ऐसे सॉल्व कर लो 7 2 14 और 1 15 इसको भी साथ साथ लिख लो। ठीक है 5 2 10 प्लस 11 इसको आपने लिखा 4 प्लस 5 माइनस देखो अब इनका डिनोमिनेटर देखो 2 बन गया 13 माइनस 9 दिया। ठीक है इस पूरे के आगे माइनस है अभी देखो ये क्या होगा 2 2 4 यहाँ पे क्या बचेगा 2। अभी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में क्या था माइनस करना था, माइनस करने का कितना आंसर आया 3। अभी इनको सॉल्व करो 4 प्लस 3 7 अभी इसके कुछ नीचे नहीं तो इसको मतलब कॉलर कर लो और यहाँ पे ले लो एलसीएम 2 हो जाएगा एलसीएम और यहाँ पे क्या आएगा 14 इनको माइनस करिए कितना आया 1 बाय 2। अभी इसका एलसीएम लो 11 प्लस 1 12 बाय 2 ठीक है 2 को 12 पे ले लो पे जाएगा 6 पे
दिस इज योर आंसर. आपने बाकी के सब भी ऐसे ही कर लेने हैं. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.